चांदी का आज क्रैकर्स बनी है ना। दीदी से मिलने आई है परी, है ना। ये लाए रखो। जाओ ऊपर चढ़ो। की शॉपिंग के लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी का। सो आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज ना मेरी बेटी के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था दिवाली के लिए, से नो टू क्रैकर्स। तो यहाँ ना मॉर्निंग में उठकर ना आगे मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि क्या लिखूँ, कौन सा स्लोगन लिखूँ। तो मैंने उसे सोचा था कि प्रिंसेस एंजल बनाकर भेजूँगी एंड कुछ अच्छा सा स्लोगन लिखूँगी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले उठ के ना मैं सबसे पहले स्लोगन ही लिख रही थी, देन उसके बाद बेटी को तैयार किया एंड वो तैयार होने के बाद बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। तो यहाँ पे ना हमने उसे तैयार करके यहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, क्योंकि फिर स्कूल चल जाएगी, देन उसके बाद अभी तैयार होगी तो थोड़ा अच्छा फ़ोटोज़ आएगा, इसलिए ना थोड़ी बहुत हमारी बेटी की फ़ोटोज़ ले ली हमने एंड यहाँ पे मैं उसे स्लोगन लगा रही हूँ। देन उसके बाद फटाफट उसे लेकर स्कूल गए, क्योंकि ना लेट हो गया था ऐसे रेडी करने में आगे, तो वो बहुत नौटंकी कर रही थी कि नहीं तैयार होना है। बट फिर जब तैयार कर दिया तब बहुत खुश हो गई थी, मतलब एंजल बनकर। जादू कर दो, जादू परी, I'm a परी, yes, very good। हमारी परी है। एंड फिर जब डिस्पर्सल टाइम था ना छुट्टी के टाइम में, पेरेंट्स को बोला गया था कि एक दिया लेकर आने के लिए एंड सारे पेरेंट्स को ना दिया जलाना था, तो फिर मैं भी एक दिया लेकर गई थी एंड फिर दिया जलाया एंड टीचर्स ने ना थोड़ी फोटोज़ क्लिक कर दी थी, तो वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। एंड यहाँ पर फिर मैं अपनी बेटी को लेकर नीचे उतरी एंड यहाँ पर ना सारे बच्चे खड़े हुए थे, तो फिर थोड़ी सी मैंने नायरा की फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। कम कम, अपने डंडे हिलाओ नायरा, अपनी छड़ी हिलाओ। Yes. गोल घूम जाइए, गोल घूमिए, सामने आइए। Yes, परी। चन्विका तुम छोटू बेबी है, वो छोटू बेबी है आपका, तो है ऐसा ना। चांदविका, चांदविका आज क्रैकर्स बनी है ना, क्रैकर्स बने हो। दीदी से मिलने आई है परी, है ना। नहीं दिखाना है, ये नायर अरे नानू बस देखेंगे नायरा कैसी लग रही है। सो नायरा के स्कूल के पास ही ना मेरी दादी घर है, तो वहाँ पर ना रोज़ ये जाती है एंड वहाँ से ना इसे रोज़ एक लॉलीपॉप मिलता है एंड ना मेरे चाचा से ही बहुत डरती है, तो यहाँ पे ना रोज़ उसको लॉलीपॉप मिल जाता है, तो घर आकर वो खा रही है। एंड नेक्स्ट डे फिर था नायरा का नॉर्मल स्कूल, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं नायरा को लेने के लिए। एंड ना आज धनतेरस वाला दिन था, तो बहुत सारा काम था हमें, धनतेरस की शॉपिंग करनी थी, बहुत कुछ था। तो अभी सुबह में ना नायरा को लेने जा रहे हैं हम। धनतेरस वाला दिन, अभी नायरा गई है स्कूल, उसको जा रहे हैं हम लोग लाने के लिए। नीचे दादी ने गोबर लिप दिया है। क्या कर रहे हो मम्मा से, वो देखो झूला झूलो झूला झूलो। मम्मा करो, सबाई मिले करते हबे। हां जाओ ऊपर चढ़ो।
अरे बाबा। फिर नायरा को स्कूल से लेकर आके ना हम लोग गए थे ऐसे ही यहाँ सुनार दुकान, कुछ ऐसा प्लानिंग था नहीं कुछ लेने का धनतेरस में, बट फिर अचानक से प्लान बना तो हम ना गए थे चांदी का कॉइन लेने के लिए। एंड ना नायरा को मैंने बोल दिया कि ये आपका गिफ्ट है, तो वो बहुत खुश हो गई थी। नायरा आई थी धनतेरस की शॉपिंग के लिए पापा के साथ। नायरा को गिफ्ट मिला कॉइन पापा की तरफ से, है ना। नायरा का धनतेरस गिफ्ट है ये, ठीक है। आज हैप्पी धनतेरस है इसीलिए। Everyone. दादी बोलो, दादी दादी कहाँ गए थे, दिखाइए दादी माँ को। नायरा का गिफ्ट प्यारी से बेटी तैयार हो गई है, रबर बैंड्स लगा के दिखाओ बेटा। ग्रीन इज हर फेवरेट कलर। और देखो हमारे घर से इधर कितना ज़्यादा भीड़ है, ये देखो ये पूरा रोड ना आज के दिन पूरा भीड़ हो जाता है दिवाली वाले दिन में, और आज तो धनतेरस वाला दिन है ना, तो इसीलिए और भी ज़्यादा सब लोग इधर गाड़ी खड़ा करके फिर ना सब मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट में तो भयानक ही भीड़ होगा। अभी हम लोग भी जाएंगे ना बेटा मार्केट। हम लोग बैठेंगे नहीं बेटा, पैदल जाएंगे। देखो सब लोग यहीं पे ऑटो खड़ा करके फिर सब पैदल जा रहे हैं हमारे घर के सामने खड़ा करके। सो आज है धनतेरस वाला दिन, सब लोग जा रहे हैं मार्केट, अभी हम लोग भी जाएंगे मार्केट। और ये हम सुबह ना लेके आए थे सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का, उसको ना ये पकड़ रही है, सुबह से इसको बोल दिया है हमने कि तुम्हारा गिफ्ट है, तो वो उसको पकड़ कर सबके साथ सबको दिखा रही है। जाते बहुत सारा काम है आज। देखो उन लोग गए, चलो हाँ आओ इधर चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ है, और सब लोग धनतेरस वाले दिन ही शॉपिंग कर लेते हैं जो धनतेरस की ख़रीदारी होती है, साथ ही दिवाली पूजा की जो ख़रीदारी होती है। तो यहाँ पे नायरा को ना अपने से सीढ़ी उतरना है, आजकल वो बड़ी हो गई ना, उसका अलग अलग मतलब चलता है, डिमांड होता है। सो यहाँ पर वो अकेले ही चलना चाह रही है मार्केट में, लेकिन इतना भीड़ है ना कि मतलब बच्चे को छोड़ना थोड़ा क्या बोले ठीक नहीं है मार्केट में ऐसा छोड़ना। तो फिर यहाँ पे धनतेरस वाले दिन तो झाड़ू मतलब सब लोग खरीदते हैं, एंड सबके हाथ में एक एक झाड़ू रहता है। आप लोग बताना आप लोग खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, हम लोग तो हर साल खरीदते हैं झाड़ू। तो यहाँ पे ना हम मिट्टी के दिए एंड खिलौने ले रहे थे, तो नायरा को भी बड़ी मज़ा आ रहा था कि मतलब इतना कुछ देखकर खिलौना और ये सब। एंड पहले तो वो छोटी थी तो उसको समझ में नहीं आता था, बट इस साल थोड़ा बहुत उसे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग खिलौना ले रहे थे, एंड खिलौने हम लोग ना हर साल लेते हैं, जब मेरे मायके में भी थे ना तो हम लोग दोनों बहनों के लिए पापा मम्मी दोनों लेते थे खिलौना, एंड यहाँ पे हम नायरा के लिए लेते हैं खिलौना। एंड यहाँ पे दिया हमने चुना, एंड नायरा को अलग से प्लास्टिक चाहिए था, वो अलग से प्लास्टिक पकड़ के फिर वो चल रही थी, मतलब मुझे भी पकड़ना है, वो अपना अलग ही शॉपिंग कर रही थी, जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे ना वैसे वैसे उसको भी ख़रीदना था। सो यहाँ पे फिर हम आ गए, थोड़ा सा भूख भी लग जाता है तो फिर हम आ गए, और यहाँ पे गोलगप्पा खाने लग गए। ये अपना बैग लेके घूम रही है शॉपिंग करके।
नायरू है। एंड मम्मी है। नहीं मम्मा है। बढ़ा के रखा है। दाम बढ़ा के रखा है। ऊपर नहीं जाओ। कहाँ? देख कौन वाला? इधर वाला। रुको 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 रुको। ये वाला घना। दिखाइए। हाँ वो घना लग रहा है। डिजाइन लेकिन इसका अच्छा लग रहा है ना? ये वाला डिजाइन देखो। नहीं एक ही डिजाइन है। हाँ वो घना था उसको लीजिए। लेंगे देखो अभी हमने झाड़ू लिया ना यहाँ पर। झाड़ू लिया ना हमने। अपने बाजार पे देखो कितने सारे भीड़ है ना। भीड़ है ना सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए। अभी लेंगी ना दादी लेगी फूलों। देखो ये लड़की को अपनी दादी माँ से आइसक्रीम खरीदा के आ रही है, है? फिर धनतेरस का सामान लेकर हम लोग आ गए थे घर। एंड घर आने के बाद ना जितनी भी सामान लेकर आई थी ना वो मैं उसे निकाल कर बाहर अरेंज कर रही थी। एंड उसके बाद ना धनतेरस में जो सामान लाते हैं वो पूजा तो होता ही है, सबके घर पर होता है, तो वही पूजा कर रही थी मैं और दिए जला रही थी क्योंकि धनतेरस वाले दिन भी हम नए दिए जलाते हैं। तो अभी खरीद कर लेकर आई हूँ, उसे जलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी। एंड उसके बाद नायरा भी आकर बैठ गई थी और ना वो आइसक्रीम का मज़ा ले रही थी, उसका फेवरेट आइसक्रीम। देन यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी दिए पे बाती बनाए, फिर तेल भरी और फिर दिए सारे जलाकर पूजा की मैंने। तो ये था धनतेरस वाले दिन का फुल ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अभी नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, दिवाली ब्लॉग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें।